क्लास में हिंदी दिवस लेसन हम लोग पढ़ते थे। आज हिंदी दिवस पर सी लेसन में हिंदी का परिचय, हिंदी का परिचय क्या है, तो जस्ट हम लोग एक वर्ड जानते हैं कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा राजभाषा है, बस उतना कहने से नहीं होगा। ये लेसन 10th क्लास में ही है, इसके लिए थोड़ा इसके डीप में हमको जाना होगा। भारत हमारा प्राचीन और विशाल देश है, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत देश जो है सो बहुत प्राचीन और विशाल देश है। प्राचीन बोले तो पुराना और विशाल बोले तो बड़ा देश है। यहाँ जितने प्राचीन और विशाल देश होने के कारण अगर बहुत सारा स्टेट है, हर स्टेट का अपना अलग अलग लैंग्वेज है। ऐसी हालत में जनसाधारण को आपस में कार्य करने और एक दूसरे को समझने के लिए एक शक्तिशाली भाषा की जरूरत थी। ऐसे स्थिति में क्या है, भारत प्राचीन और विशाल देश है, ऐसे यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। उर्दू, तेलुगु, तमिल, उड़ीसा, बांग्ला, उड़िया, बंगला, मलयालम, बहुत भाषा है यहाँ पर। जितना असमी, कन्नड़, जितना स्टेट उतना लैंग्वेज है। ऐसे में जनसाधारण को आपस में कार्य करने और एक दूसरे को समझने के लिए एक शक्तिशाली भाषा की जरूरी था। ऐसे में अब जितना भी पीपुल है, अब हमको बंगला आता है तो हम तेलुगु में आके काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बंगला नहीं है। तो इसी के लिए सरकार क्या बोला, जो एक ऐसा भाषा होना चाहिए जो सब जानता हो, ऐसा कार्य करके दूसरे को समझने के लिए वह भाषा शक्तिशाली पावरफुल होना चाहिए। देश के अधिकांश लोगों से बोले जाने वाले समृद्ध साहित्य वाली आसान भाषा ही राष्ट्रभाषा बन सकती है। तब गवर्नमेंट बोला एक ऐसा भाषा चाहिए जो देश में अधिक परसेंट में बोले जाने वाली भाषा हो, वही भाषा जो है शक्तिशाली और समृद्ध हो सकता है, वही देश का राष्ट्रभाषा बन सकता है। ये सब गुण हिंदी में ही पाया गया। अब स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा बनने का सौभाग्य हिंदी को मिला, यह जनता की सेवा है। स्वतंत्र भाषा बोले तो राष्ट्रभाषा बनने का गौरव हिंदी को ही मिला, क्योंकि भारत देश में अधिक संख्या में हिंदी बोलने वाले मनुष्य रहने के कारण हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में मिला। यह जनता की सेवा रही, सारी जनता को एकता के सूत्र में बांधने की शक्ति रखती है। सन 1965 तक हिंदी राष्ट्रभाषा का पद दिया गया। अब क्या है, 1965 में इसको हिंदी को राष्ट्रभाषा दिया गया। तब से हिंदी के प्रचार के विषय में केंद्रीय और प्रांतीय सरकार दोनों अधिक कार्यरत है। तब से हर प्रांत, हर स्टेट और गवर्नमेंट हिंदी को डेवलप करने के लिए बिल्कुल तन मन से लगे हुए हैं। जैसे आज देख हम तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, फिर भी हमको हिंदी पढ़ना है, क्यों, गवर्नमेंट का रूल। आज हम कर्नाटक चले जाए, वहाँ भी हमको हिंदी पढ़ना होगा। बंगाल चले जाए, वहाँ भी हिंदी पढ़ना होगा। उड़ीसा चले जाए, कहीं भी जाएंगे हमको हिंदी पढ़ना ही है। किस लिए, इसलिए कि हिंदी को डेवलप करने के लिए सरकार जो है वचनबद्ध है, क्योंकि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। हाँ, भारत में हर साल सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन में शिक्षण संस्थान सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन शिक्षण संस्थानों में गीत, नाटक, निबंध आदि भाषा संबंधी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। इस दिन जितने भी संस्थान हैं उसमें जो भी प्रोग्राम होता है वह सिर्फ हिंदी में ही मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी को डेवलप करना है। इनमें प्रतिभा दिखाए छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है। प्रणाम करते हैं शक्ति यथा शक्ति राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। इस तरह से
वो हमारे देश में हमारे देश के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली भाषा माना गया है। यह हमारा राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि राज्यभाषा ही नहीं राष्ट्रभाषा भी है। अब हिंदी सीखने के लिए क्या करेंगे? हिंदी सीखने के लिए मैं नियम पूर्वक पाठशाला जाऊंगा, मैं हिंदी अध्यापक का सहयोग लूंगा, घर में माता पिता भाई बहन से हिंदी में बात करूंगा, समाचार पत्रों के माध्यम से हिंदी सीखने का कोशिश करूंगा, मित्रों व सहपाठियों से हिंदी बोलने का कोशिश करूंगा, हिंदी के बारे में जानकारी पाने हिंदी संबंधी परीक्षाएं लिखने की तैयारी करूंगा।